यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए और दक्षिण ओडिशा क्षेत्र और निप्रो शहर को अपना निशाना बनाया है। यहां एक पावर डिफेंस प्लांट को निशाना बनाया गया। इसके अलावा रूस के तरफ से राजधानी कीव और जापोरिजिया में भी मिसाइल गिराए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में टेरर फंडिंग रोकने के लिए नॉन मनी फॉर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन ताज होटल में हुआ। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। 75 देशों के प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरी चिट्ठी इंदौर से भेजी गई। इसमें लिखा गया कि कांग्रेस नेता को बम से उड़ा दिया जाएगा। राहुल की यात्रा 24 नवंबर को इंदौर पहुंचेगी। पुलिस ने चिट्ठी भेजने वाले की तलाश शुरू की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब्दुल्ला ने खराब सेहत का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया है। अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को फुल कोर्ट मीटिंग में लिए गए बड़े फैसलों को सबसे साझा किया। उन्होंने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच रोज 10 जमानत याचिकाओं और 10 ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही कोर्ट में सुनवाई के लिए आने वाले मामलों की लिस्टिंग करता है, इसलिए उन्हें मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 600 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 653 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 790 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 7 व्यक्ति की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 64,19,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 66,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.94 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के वजह से रद्द कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम पहला मुकाबला खेलने उतरी थी। दोनों टीमों के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में फुटबॉल खेलकर टाइम पास करते नजर आए। अब दूसरी T20 20 नवंबर को माउंट मांगनू में खेला जाएगा। एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी अपने एसेट्स मैनेजमेंट के लिए जल्द ही न्यूयॉर्क या दुबई में अपना एक फैमिली ऑफिस सेटअप कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की जानकारी गौतम अडानी से जुड़े लोगों ने दी है। उन्होंने बताया कि इस ऑफिस में अडानी फैमिली के वेल्थ मैनेजमेंट पर काम किया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं प्रदूषण का कहर भी बढ़ता दिख रहा है। कुछ दिनों से दिल्ली की हवा में थोड़े सुधार देखने को मिल रहा था, लेकिन एक बार फिर वायु की गुणवत्ता बिगड़ती नजर आ रही है। सफर के मुताबिक आज दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 293 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब के करीब है।